बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बेला में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत होंगी। तो जी तो गाइस, आज हम लोग आलू करेला सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 1 kg हम लोगों ने करेला लिया है, जिसको साफ़ करके हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। 2 बड़े साइज़ के आलू लेने हैं, उनको भी फ्राई कर लेना है। साथ में हम लोगों ने 1 कप ऑयल लेके 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनमें 1 टेबल स्पून हम लोग नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करके मसाला बनाएंगे। और प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम लोग उसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे और 3 अदद हम लोगों ने सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। तो अभी टमाटर और सब्ज़ मिर्च हम लोगों ने ऐड कर दिए, अब इसको फ्राई करना है। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छे से गल जाएंगे, तो हम लोग इसमें 1 अदद शिमला मिर्च ऐड करेंगे। जब जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो उसमें हम लोग फ्राइड करेले ऐड करेंगे और फ्राइड आलू उसमें ऐड कर देंगे। तो मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार वेजीज हमारी रेडी हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। काइंडली अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी वेजीज रेडी हो रही है, आपको बहुत पसंद आएगी। और काइंडली हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने करेला और आलू ऐड कर दिए हैं। अभी इसको मैं 2 मिनट्स तक दम पर रखूँगी, गरम मसाला और सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, फिर हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार वेजीज़ रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।